अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल रखी है, उस पोस्ट के नीचे आपको कमेंट करना है। अगर आप हमें उस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं तो ही हम आप में से किसी दो को विजेता घोषित कर पाएंगे, क्योंकि हम कमेंट पीकर के जरिए अपने और विजेताओं को जिताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ है, और यदि नहीं किया है तो हिस्सा बनने के लिए जल्दी से फॉलो कीजिए और कमेंट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश को लेकर बात करेंगे। डीडी फ्री डिश में आपके लिए एक नया हिंदी फिल्मों का चैनल शुरू किया गया है। बताना चाहता हूँ ये जो चैनल है वो आपको इंडिया फैशन टीवी की जगह पर शुरू किया गया है और इंडिया फैशन टीवी आपके लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों तो चलिए ना करते हुए सीधा टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं और आप देख पा रहे हैं कि इंडियन फैशन टीवी हमारे लिए रीब्रांड कर दिया गया है और वो बन गया है मूवी प्लस। जी हां, मूवी प्लस अब आपको इसके जगह पर नया चैनल देखने को मिलने वाला है और इंडियन फैशन टीवी वो आपके लिए बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से भी इन्हें परमिशन मिल गई थी कि आप इंडियन फैशन टीवी को आप रिनेम करके मूवी प्लस का नाम दे सकते हैं। तो इन्होंने वही किया और इसका नाम बदलकर अब आपका मूवी प्लस कर दिया गया है। कंटेंट आपको उसी प्रकार से देखने को मिलेगा, कोई बदलाव आपको उसमें नहीं मिलने वाला है। तो फिल्में उसी प्रकार से आएंगी जिस प्रकार से पहले आपको देखने को मिलती थी। दोस्तों छोटी सी अपडेट थी डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए और जल्द ही इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड जो भी आपको इंडियन फैशन टीवी देखने को मिल रहा है वो बदलकर मूवी प्लस कर दिया जाएगा।